तो हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभी पीडिया नेम इज़ ऋषभ योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सो so, जैसा कि आपको पता है सीजीएल की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है ठीक है और फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं उम्मीद करता हूँ आपने भी फॉर्म फिल कर दिया होगा और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से दिलो जान से तैयारी कर रहे होंगे राइट आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसमें हम रीडिंग कॉम्पिटिशन को प्रैक्टिस करेंगे ठीक है थोड़ा आपका प्री का लेवल थोड़ा मेंस का लेवल दोनों साथ so दो मन्स, दो मन्स में लेके चलेंगे सो लास्ट बट बिफोर स्टार्टिंग आपको हमारे रिलेटेड की एस एस सी सीजी एग्जाम ट्वेंटी को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है जिसमें कि आपको हर एक चीज मिलेगी जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है बी दैट वीडियो लेक्चर पीडीएफ्स राइट टेस्ट सीरीज हो या फिर करंट अफेयर्स हो हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी ठीक है तो जो भी आपका डाउट रहता है उसको आप पूछ लिया करिए ठीक है और साथ ही साथ जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको अच्छे से देखा करिए अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा राइट अब चलते हैं हमारे कॉम्प्रिंशन की तरफ अब देखो सबसे पहला तरीका तो क्या है

इंक्लूजन राइट right? ये मैंने यहाँ पे लिखा इक्विटी मतलब आपको यहाँ से की वर्ड्स को निकाल के लिखना स्टार्ट करना है राइट सो दैट पता चले आपको देखो इतने बड़े पैराग्राफ में आपको क्या पता कहाँ पे क्या आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट था राइट एंड इट इज नॉट पॉसिबल की आप एक ही रीडिंग में पूरे के पूरे पैराग्राफ को समझ पाओ अच्छे से दैट इज नॉट पॉसिबल उस टाइम प्रेशर होता है चीजें दिमाग में सो चीजें आपकी चल रही होती है राइट टाइम बाउंडेशन होता है तो इसीलिए आप क्वेश्चन को यहाँ पे उसके की वर्ड्स को लिख सकते हो राइट right? अब इसके आगे किस क्वेश्चन का आंसर होगा सो मैं इसके इसके आगे लेके नहीं जाऊंगा चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे पहले तो रीड करो देर इज एन ओल्डन द ऑफ द हंट विल हंटर राइट काफी अच्छी लाइन लिखी हुई है ऑफ द हंट ग्लोरीफाई हंटर as in common knowledge, while the male lions' mane incites our imagination, it is actually the lionesses that bring, the, that bring in food and ensure survival of the species. as renana Jhawala of Seva and member of united nations security general's high-level panel on women's economic empowerment, aptly says aptly apt का मतलब पता होना चाहिए आपको ठीक है वो क्या है आपको हर जगह काम आएगी देखो वो क्या इस पूछा जा सकता है कि इसका apt का मीनिंग बताइए राइट तो apt का मीनिंग होगा इस यहां पे appropriate relevant ओके okay. अह uh, कहां भी गया ठीक है एक वुमेन्स इकोनॉमिक एंपावरमेंट aptly says दैट क्या बोलती है वुमेन्स वर्क इज इनविजिबल वमेन आर एट द बेस ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, वोमेन आर स्टक ऑन अ स्टिकी फ्लोर ऑफ लो टेक्नोलॉजी लो प्रोडक्टिविटी लो स्किल्स लो अर्निंग्स एंड लो डिग्निटी डिग्निटी का मतलब होता है शान रूरल वोमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन मेक क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी यट फिर भी येट का मतलब होता है कॉन्ट्रेडिक्शन करेगा ट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फिर भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हार्डली एक्नोलॉजी उनको किया जाता है राइट द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ ब्राजील कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम ठीक है स्पेलिंग साथ में देखा करिए प्रोग्राम ठीक है स्पेलिंग टेस्ट आता है आपको राइट right, बीच में अ बोल्सा फेमिलिया गोज टू वेमेन द प्रोग्राम रिवॉर्ड फैमिलीज फॉर सेंडिंग देअर चिल्ड्रन To school and taking them for regular health checkups. This scheme has pulled millions out of poverty. The state tends to believe women are more reliable than men. In Mexico, a similar program, opportunities, is available. Is ka naam rahega, opportunity, dates, right? opportunity dates available exclusively to women.

फिर बोलता है पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव प्लेस्ड ग्रेट एम्फोसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी राइट द एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी अब जो हमने इक्वालिटी और वो पढ़ा देखा था ना पीछे अब लगा फ्रेम आने शायद इक्विटी एंड इंक्लूशन व्हाट इज नीडेड इन इज पॉलिसी एक्शन दिस इज वेयर the importance of women's political empowerment comes democracy in the 21st century is moving towards देखो अब यहीं से आपको हिंट लगना स्टार्ट हो गया था कि यहां पे इक्वालिटी वर्ड आना स्टार्ट हो गया था तो इससे पहले मैं पूरे पैराग्राफ में इक्वालिटी वर्ड नहीं मिला तो so ये फायदा होता है जब आपने क्वेश्चंस को पहले लिख लिया हो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा फॉर एग्जांपल जैसे आपसे थीम पूछी ली गई राइट right?

तो फटाफट फड़ से पहले क्वेश्चन देखिए उसका डाउन डाउन करिए 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 नोट एंड आफ्टर उसको फाइंड पे ठीक है अब हमने पूरा पढ़ा तो अच्छे से है बट फिर भी हर एक part, हर एक एक पार्ट लाइन को दिमाग में right? तो चौकन्नी हो देखिए डेमोक्रेसी इन दी फर्स्ट सेंचुरी एंड इंक्लूजन दिस इज अंडरलाइंग मैसेज ऑफ सिटीजन वर्ल्ड एंड विद इनिंग रोल ऑफ वुमेन एट द पॉलिसी लेवल एंड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैन बिकम पॉलिटिक्स ऑफ डिफ्रेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस राइट तो यह हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ था अब देखिए इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन को देखिए एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवलीमोक्रेसी इन द्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नहीं ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं

इसको सपोर्ट कर रहा है जो हमने पढ़ा वहां पे ठीक है ओके okay. uh, हां एक मिनट रुको जरा इसको देख लेते राइट ये था हाँ ना वुमेन आर स्टक ऑन स्टिकी फ्लोर ऑफ लो टेक्नोलॉजी राइट लो टेक्नोलॉजी है उनके पास में लो प्रोडक्टिविटी है लो स्किल्स हाँ स्किल्स भी लो है उनकी राइट लो अर्निंग एंड लो डिग्निटी रूरल वुमेन इन द एशिया पैसिफिक रीजन में क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी बट हो गया राइट right? तो so, उनको एक्नोलेज नहीं किया जा रहा दैट इज द कॉन्ट्रेडिक्शन सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन मतलब ये इसके सपोर्ट में था ये इसके सपोर्ट में है

ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एज ये देखो रेनाना झाओवालाबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनल्स हाई लेवल पैनल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्टली से इकोनॉमिक पिरािड राइट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए विच ऑफ दू अबाउट बोलसा फेमिलिया प्रोग्राम बोलसा फेमिलिया प्रोग्राम के रिलेटेड हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है बताइए ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोग्राम दिस इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन मेक्सिको दिस प्रोग्राम फेल्ड इन ब्राजील बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल दिस प्रोग्राम पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी या फिर ोग्राम हैोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट है? देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे, that is why मैं आपको हर क्वेश्चन बट आपको फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने करके बताया कि आप कीवर्ड वर्ड लिख लो उसका जैसे इक्विटी एंड इंक्लूजन था ठीक है सेकंड का कीवर्ड क्या हो सकता था ये एशिया पैसेफिक कुछ ऐसा वर्ड जो आपको दिख जाए फटक से वहां पर राइट एशिया पैसेफिक ताकि जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन को रीड करो और जैसे ही वो पार्ट आए जो आपने अंडरलाइन की वर्ड उसका निकाला है वो की वर्ड जैसे आपको जिस पार्ट में देखा वहां पे थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लो बस आपको आंसर मिल जाएगा वहां पे पूरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा बट मैंने आपको बताया थीम और टोन वाले केस में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से उसको समझना पड़ेगा राइट अब जैसे थर्ड इस क्वेश्चन में आपको देखा क्या उसने पूछा है? ये बोलसा फेमिलिया तो ये भी आप इसको नोट कर सकते थे राइट The credit for the success of Brazil's conditional cash transfer program Bolsa Familia goes to women. The program rewards families for sending their children to school and taking them for regular health checkups. This scheme has pulled millions out of poverty. So यही इसका सही आंसर जाने वाला है ठीक है ये मेक्सिको का प्रोग्राम नहीं थे ब्राजील का था right? राइट उसके हिसाब से देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वोमेन्स स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या ऐसा है मनी इन देंड्स मेक्स दम फ्रूगल फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस. ठीक है माइजरली माइजरली कंजूस और माइजर का मतलब होता है दया ठीक है आ, कहां पे था हमारा फ्रूगल ठीक है इसको हम बोल सकते हैं क्लोज फिस्टेड ठीक है ठीक है, है फिलहाल के लिए ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज इनफ़ टू ब्रिंग अबाउट इक्वेलिटी क्या ऐसा है, है? वर्ल्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस क्या ये है या फिर मनी इन हैंड्स ऑफ वुमेन मेक्स ये तो बिल्कुल गलत है ठीक है क्या यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ये भी गलत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज इनफ टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी क्या ऐसा होगा नहीं अगर नहीं करेंगी तो फिर कैसे ठीक है सो ऑप्शन डी ही यहाँ हम लोग पॉलिसी मेकर्स अगर वुमेन के कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं हम पे, राइट right? चेक कर लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर राइट पॉलिसी मेकर ऑन जेंडर इक्वेलिटी ग्रेट एम्फेसिस ऑफ जेंडर इक्वलिटी ठीक है तो ये हमारा ऑथर यहाँ पे बोलना चाहता है तो ये हमारा आज का कॉम्प्रीशन था उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा इसको समझ आपको यहाँ से क्रक्स निकालना है कि कैसे आपको को है। सबसे पहले क्वेश्चन ठीक है वहां से की वर्ड्स निकालिए उन की को फिर नोट करिए है, है ना कीवर्ड्स 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 को find in, find RC, right? को देन फाइंड फाइंड इन इन दोस आरसी राइट रीडिंग में उन ढूंढने का ट्राई करिए जैसे आपको दिखते हैं उनको वहां पे आप देख सकते हो कि इस पार्ट में यहाँ पे इसका ये आंसर था तो आपके दिमाग में रहेगी वो चीज ओके okay? और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए अदरवाइज जैसे ही आपका मेंस आएगा या प्री का बाद प्री के बाद में आपको लगेगा कि अरे मेंस के लिए हमने कुछ तैयारी खास करी नहीं है तो अभी से उस लेवल की तैयारी करिए बिकॉज इंग्लिश में ज्यादा चेंजेस आते नहीं है और इंग्लिश आपका काफी अच्छा फोर्टी फाइव uh, क्वेश्चन है ना नीव मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं राइट right? इस चीज को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते राइट चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फिर आज का ये सेशन हम यहीं पे रोकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत